नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक सॉल्यूशन में। यहाँ हम इलेक्ट्रिक गैसोलीन से चलने वाली थ्री व्हीलर, ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा के बारे में जानकारी देते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिंग होंग बजाज टुक टुक इलेक्ट्रिक रिक्शा के बारे में। तो आइए जानते हैं इस ई रिक्शा के प्राइस, फीचर और स्पेसिफिकेशंस के बारे में। इस ई रिक्शा का अगर फ्रंट लुक देखें तो दोस्तों बड़ा ही शानदार और स्टाइलिश लुक यहाँ देखने को मिल जाता है। फ्रंट में ही देखें तो दोस्तों 12 इंच के मजबूत टायर विथ 37 हाइड्रोलिक कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन, साथ ही साथ रियर में डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। फ्रंट में ही देखें तो दोस्तों बड़े ही शानदार 2 LED हेडलैम्प, दोनों हेडलैम्प के बीच एक सुंदर जाली। अपर साइड में देखें तो दोस्तों एक लंबी चौड़ी विंडशील्ड, एक लॉन्ग वाइपर और साइड में दो एडजस्टेबल ग्लास भी यहाँ देखने को मिल जाते हैं। ड्राइवर सीट पर अगर हम देखें तो दोस्तों यहाँ पर एक अच्छे खासे लेगरूम के साथ स्पेस यहाँ देखने को मिल जाता है, जहाँ करीब ड्राइवर के साथ एक पैसेंजर आसानी से बैठ सकता है। फ्रंट में एक हैंडल बार जिसमें लेफ्ट हैंड पर हॉर्न लाइट आदि के ऑप्शन और राइट हैंड पर स्पीड मोड आदि के ऑप्शन दिखाई दे जाते हैं। फ्रंट में देखें तो दोस्तों एक शानदार डैशबोर्ड दिखाई दे जाता है, जिस पर एक डिजिटल स्पीडोमीटर आप लोगों को देखने को मिलता है, जिसमें फ्यूल रेंज आदि की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ FM, USB चार्जर, GPS आदि आधुनिक फीचर्स भी यहाँ दिए गए हैं। वहीं पैसेंजर सीट की तरफ अगर हम देखें तो दोस्तों यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे खासे लेगरूम के साथ स्पेस देखने को मिल जाता है, जहाँ करीब करीब 4 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। एक मजबूत प्लेटफॉर्म, पैसेंजर हैंडल। वहीं बैक साइड में अगर आप देखें तो दोस्तों यहाँ पर 2 टेल लैंप आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, साथ ही साथ कंपनी की ब्रांडिंग। वहीं नीचे साइड में अगर देखें तो दोस्तों यहाँ पर ब्रशलेस मोटर के साथ इंडिपेंडेंट सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। रूफ पर देखें तो दोस्तों यहाँ पर मेटल का प्रयोग किया गया है, साथ ही साथ लगेज के लिए स्टील रॉड से कवर किया गया है, जिससे कि लगेज रखने में आसानी होती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके हम कुछ खास फीचर्स के बारे में। मिंग होंग बजाज टुक टुक की अगर डायमेंशन की बात करें तो दोस्तों इसकी हाइट 2910 mm, विड्थ 1010 mm, लेंथ 1730 mm में दी गई है। लोडिंग कैपेसिटी की बात करें तो दोस्तों इसमें 350 किलोग्राम का लोडिंग कैपेसिटी है, साथ ही साथ क्लिमिंग एबिलिटी इसकी 30 डिग्री की है। कंट्रोल की बात करें तो दोस्तों इसमें 24 ट्यूब, 60 वे का कंट्रोलर दिया गया है। वहीं अगर रेंज की बात करें तो दोस्तों इसमें 60 से 120 किलोमीटर की रेंज आप लोगों को देखने को मिल जाती है, और मोटर 1200 वाट की ब्रशलेस मोटर इसमें दी गई है। वहीं सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस की अगर बात करें तो दोस्तों इसमें $1136 का प्राइस देखने को मिल जाता है, जिसे आप alibaba.com से ऑर्डर कर सकते हैं। वहीं दोस्तों इस ई रिक्शा को अगर आप लिथियम बैटरी के साथ या फिर लीड एसिड बैटरी के साथ खरीदना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन आप लोगों को यहाँ उपलब्ध हो जाते हैं। अगर इस ई रिक्शा को आप लिथियम बैटरी के साथ खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों इसकी कैपेसिटी 50 AH और 100 AH के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाती है। साथ ही ऑपरेटिंग वोल्टेज इसमें 60 V का है। टॉप स्पीड की बात करें तो दोस्तों इसमें 60 से 70 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड देखने को मिल जाती है, वहीं इसकी रेंज 120 से 140 किलोमीटर की हो जाती है। वहीं अगर लीड एसिड बैटरी के साथ इसे आप परचेज करते हैं तो दोस्तों इसकी कैपेसिटी 32 AH, 50 AH और 100 AH में आप लोगों को उपलब्ध हो जाती है। वहीं ऑपरेटिंग वोल्टेज की अगर बात करें तो दोस्तों इसमें 60 V का मिल जाता है। टॉप स्पीड 30 से 40 किलोमीटर पर आवर की और रेंज 50 से 100 किलोमीटर की आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों ये थी इसमें लिथियम आयन बैटरी और लीड एसिड बैटरी में लेने से आप लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी जानकारी आज की मिंग होंग बजाज टुक टुक इलेक्ट्रिक ई रिक्शा से जुड़ी हुई। आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट्स करके जरूर बताना, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। तो आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए इंतजार कीजिए। नमस्कार।